एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्चीज कॉर्नर। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं घी कैसे निकालते हैं। और आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको फटाफट घी निकालना है, तो आप फटाफट 10 मिनट में आप घी निकाल सकते हैं बहुत बहुत ही आसान तरीके से। आपको फेंटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मक्खन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप घी निकाल लेंगे घर पर। यह मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको घर में बनाना सिखाती हूँ। चलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई आपको गहरी लेनी है क्योंकि जो इसमें बबल्स आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है, इसलिए आपको कढ़ाई बड़ी लेनी है। जैसे आपका घी थोड़ा मतलब आधा है तो आपको कढ़ाई उसकी बड़ी लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया था कल छीन लिया है कि इससे हमारा घी बहुत ही नीचे चिपके ना तो आराम से निकल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे कल छीन आपको दिखाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे मलाई डाल दिया है। और गैस को गाइस यहाँ पे हाई फ्लेम पे रखना है, लो फ्लेम पे नहीं रखना है, क्योंकि जो हमारी मलाई वो अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए शुरुआत में, तो इसलिए गैस को हाई फ्लेम पे रखना है। और अब मैंने मलाई को पूरे अच्छे से बर्तन से निकाल लिया, ये बची मलाई और थी थोड़ी सी, तो मैं इसको यहाँ पर डाल देती हूँ पूरी अच्छे तरीके से निकाल के। यहाँ पे मैंने मलाई पूरी अच्छे से निकाल दी, आप देख सकते हैं आधी मलाई है। और कढ़ाई आप देख सकते हैं उसी हिसाब से आपको कढ़ाई लेना। और आप ये देख सकते हैं साइड में यहाँ पे हल्के हल्के से बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। और गैस को मैंने हाई फ्लेम पे रखा है कि नीचे जो मतलब क्या कहते हैं आसानी से जो मेरी मलाई वो मेल्ट हो जाए जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा चलाते रहना है, शुरुआत में तो आप इतना नहीं चलाएंगे तो कोई बात नहीं, आप दूसरा अपना काम भी करते जाइए, उसको बीच बीच में चलाते जाइए क्योंकि अभी यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। और गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही आपको हाथ से मिलाना, अब इसी आप बस आप देखते जाइए बहुत ही अच्छे से आपकी आपका घी निकल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 10 मिनट में। और बस आपको चलाते रहना है बीच बीच में। चलिए अब यहाँ पर इसको हम चलाते रहते हैं। गैस को मैंने हाई फ्लेम पे भी रखा है, जब हमारा मलाई पूरा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं गैस को लो फ्लेम कर दूंगी कि आराम से फिर घी हमारा निकले और नीचे से चिपके भी ना। अब गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो मलाई वो पूरा मेल्ट हो चुका है और मैंने गैस को लो फ्लेम कर दिया, लेकिन तब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और जो मेरी मलाई वो कैसे ऊपर आ रही है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको कढ़ाई बहुत गहरी लेनी है। ये देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं साइड साइड से अब थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको गाइस लगातार अब आपको चलाते रहना है कि आपका जो घी है वो चिपके ना, जो आपका लेफ्ट ओवर है जो बचा हुआ है वो चिपके ना नीचे, इसलिए आपको यहाँ पे लगातार चलाते रहना है। आप ये देख सकते हैं मैं इसको चलाती जा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में कैसे घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बस बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से आपका ये घी निकल जाएगा। बस जैसे मैंने आपको बोला, आप कहीं जा रहे हो, आपके पास टाइम कम है और आपको घी निकालना है अचानक में जल्दी से, तो आप फटाफट ऐसे आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा घी निकलेगा। आप इसको ज़्यादा देर तक थोड़ा पकाएंगे तो आपका घी येल्लो कलर का बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा घी, और खाने में भी बहुत ही सोंधापन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चलाती जा रही, नीचे से चिपकना भी स्टार्ट हो गया है क्योंकि जो आपका लेफ्ट ओवर वो नीचे ज़रूर चिपकेगा तो है, तो आपको उसको लगातार चलाते रहना। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा घी छोड़ना स्टार्ट ही हो गया है, बस मुझे इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है कि मेरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो घी मेरा जो है वो अच्छे से निकल जाएगा।
ये आप देख सकते हैं गाइस, मेरा जो घी है वो पूरा निकल गया। जो ये बाकी जो लेफ़्ट ओवर है इसका तो कुछ करना है नहीं है, तो ये जल भी जाएगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो फेंकना ही है। और देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये बबल्स आए, इसलिए मैंने आपको बोला था कढ़ाई आपको बहुत ही गहरी लेनी है। यहाँ पर जो बबल्स आता है ऊपर, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कढ़ाई आपको गहरी लेना है कि आराम से आपका मतलब बाहर गिरे भी ना और बहुत ही अच्छे से इसके अंदर ही अंदर कवर हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं अब ये ऑलमोस्ट मेरा घी बनके रेडी हो गया है। अब मैंने गैस को यहाँ पे बंद कर दिया है, तब तक हमारा घी जो है वो थोड़ी देर के बाद इसमें ठंडा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बंद कर दिया, ये ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है। अब गाइस हमारा जो घी है वो बन चुका है और ठंडा हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली और एक बर्तन ले लिया है, और उसमें मैं इसको स्टील की छन्नी से मैं इसको छान लेती हूँ। आपको प्लास्टिक की छन्नी यूज़ नहीं करनी, स्टील की यूज़ करनी है कि थोड़ा सा आपका जो घी गर्म होगा वो मतलब स्टील की प्लास्टिक की छन्नी से क्या होता है वो थोड़ा सा जल जाता है, इसलिए आपको स्टील की छन्नी यहाँ पे यूज़ करनी है। ये चीज़ आप ध्यान से रखिएगा, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे मैं से घी निकाल लेती हूँ, घी पूरा निकल चुका है गाइस। और आपको गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को गाइस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साइड में बेल आइकॉन है आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो मेरी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। और ये झटपट घी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ऐसे ट्राई कर सकते हैं, और नॉर्मल आपके पास टाइम है तो आप इसको फेंट के भी घी निकाल सकते हैं।